An anti-aircraft gun can take a maximum of 4 shots at an enemy plane moving away from it. The probability of hitting the plane at the first, second, third, and fourth shots are 0.4, 0.3, 0.2, and 0.1 respectively. What is the probability that the plane is hit when all the 4 shots are fired? Okay. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फोर इवेंट्स एज्यूम कर लेता हूँ. इवेंट इवन, ये इवेंट क्या होगा हमारा कि द एनिमी प्लेन इज शॉट इन द फर्स्ट शॉट. ओके, प्लेन इज हिट एट द फर्स्ट शॉट. ओके, प्लेन इज हिट एट द फर्स्ट शॉट, ये हमारा इवेंट इवन हो गया. इवेंट ई टू हम एज्यूम कर लेते हैं, प्लेन इज हिट एट द सेकेंड शॉट, सेकेंड शॉट में प्लेन हिट होता है. ई थ्री इवेंट है कि प्लेन इज हिट इन द, जब थर्ड शॉट किया गया तो वो प्लेन, एनिमी प्लेन हिट हो गया, तो ये हमारा इवेंट ई थ्री हो गया. और इवेंट ई फोर क्या हो जाएगा, ऐसे ही दैट द प्लेन इज हिट एट द फोर्थ शॉट, फोर्थ शॉट में प्लेन हिट हो गया. अब क्वेश्चन में हमें इन चारों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है. प्रोबेबिलिटी ये 0.4 क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द प्लेन एट द फर्स्ट शॉट, तो वो हमने इवन एज्यूम किया है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमें दे रखा है 0.4 के इक्वल. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू हमें दे रखा है 0.3 के इक्वल. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री हमें दे रखा है 0.4 के इक्वल, सॉरी 0.2 के इक्वल. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर हमें दे रखा है 0.1 के इक्वल. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज हमें दे रखी है क्वेश्चन में. अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, द प्रोबेबिलिटी डेट द प्लेन इज हिट व्हेन ऑल द फोर शॉट्स आर फायर्ड. ठीक है, जब ऑल फोर शॉट्स फायर हो चुके हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्लेन हिट हुई होगी. अब प्लेन हो सकता है ईवन से हिट हो गई हो, ईवन ई टू ई थ्री ई फोर किसी से भी हिट हो सकती है, हो सकता है चारों के चारों से हिट हो जा रही है या किसी दो से हिट हो रही है. तो यहां से मैं कह सकता हूं जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एटलीस्ट एक भी अगर हिट कर देगा तो प्लेन हिट हो जाएगा. ठीक है, तो इन चारों शॉट्स में से, इन चारों इवेंट्स में से अगर कोई एक भी हो जाए तो जो प्लेन है, जो एनिमी प्लेन है वो हिट हो जाएगा. इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट ईवन ई टू, इवेंट ईवन ई टू ई थ्री और ई फोर, एटलीस्ट वन, इन चारों में से एटलीस्ट वन कोई भी एक इवेंट हो जाए. ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड जो फेवरेबल कंडीशन है कि प्लेन हिट हो रहा है वो फुलफिल हो जाएगा. इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ई वन ई टू ई थ्री और ई फोर वो हो रहा हो. ठीक है, अब इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट इज अकरिंग, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा कि नन ऑफ द इवेंट आर अकरिंग. ठीक है, तो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दिस इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश. ठीक है, वे ई बार क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है ई का. ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमने देख लिया कि दैट इज नन ऑफ द फोर इवेंट्स आर अकरिंग. ओके, तो यहां से मैं कह सकता हूं दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ ई वन ई टू ई थ्री और ई फोर, इनमें से कोई भी इवेंट अकर नहीं हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस कॉम्प्लीमेंट्री, इस इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा ये वाला इवेंट दैट नन ऑफ द इवेंट्स ई वन ई टू ई थ्री एंड ई फोर आर अकरिंग. ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. अब हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. ठीक है, दिस इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इवन बार. ठीक है, इवन बार इंटरसेक्शन ई टू बार. इवन बार क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी द इवेंट दैट इवन इज नॉट अकरिंग. ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि इवन ना हो, इंटरसेक्शन ई टू भी ना हो, ठीक है, इंटरसेक्शन ई थ्री भी ना हो और इंटरसेक्शन ई फोर भी ना हो. ठीक है, तो ये हमारा ये वाला इवेंट आ जाएगा, नन ऑफ इवन ई टू ई थ्री और ई फोर इज अकरिंग. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट्स आर अकरिंग. तो ये हो जाएगा वन माइनस, अब ये क्योंकि इवन इवन ई टू ई थ्री ई फोर ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ठीक है, ये आपस में रिलेटेड नहीं है, ये चारों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ईवन बार ई टू बार ई थ्री बार ई फोर बार ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ईवन बार
इनटू, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि इंटरसेक्शन को मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ई थ्री बार इनटू प्रोबेबिलिटी ई फोर बार, ओके, दिस विल बी इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन बार, क्या हो जाएगा, ये होगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ओके, इनटू सिमिलरली ये हो जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ये इवेंट ई वन है यहाँ पर, ठीक है, इनटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री, ठीक है, इनटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई फोर, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन माइनस, ठीक है, ये वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन 0.4 है, तो ये हो जाएगा वन माइनस 0.4 इंटू वन माइनस ई टू का क्या है हमारे पास 0.3 इंटू वन माइनस 0.2 इंटू वन माइनस 0.1, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास वन माइनस, ये क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9 एंड दिस इज इक्वल टू वन माइनस, ये हम मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये वैल्यू आती है 0.3024 और जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे वन में से इसको तो मुझे मिलेगा 0.6976, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया 0.6976, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.6976, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।